खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। भारत के पड़ोस श्रीलंका में सुबह से जो हो रहा है उसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। सुबह से एक के बाद एक 8 धमाकों से दहल चुका है श्रीलंका। कोलंबो में पहला धमाका सुबह 9:45 के करीब हुआ, उसके बाद से 8 धमाके हो चुके हैं। कोलंबो में 3 चर्च और 3 5 सितारा होटलों को निशाना बनाया गया। अभी भी धमाकों का सिलसिला थमा नहीं है। अब तक 185 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 500 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। 6 धमाकों के बाद थोड़ी देर पहले 2 और धमाके हुए, 35 विदेशी नागरिकों की भी मौत हुई है। लेकिन भारत के लिए राहत की बात यह है कि किसी भारतीय के हमले में शिकार होने की खबर नहीं है। लेकिन श्रीलंका में धमाकों का सिलसिला थम नहीं रहा है। 6 धमाके आज सुबह 9:45 हुए और उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले 2 और धमाके हुए। कोलंबो में 8 ब्लास्ट और अब तक 185 लोगों की मौत हो चुकी है, 500 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। सीरियल धमाकों से दहल गया है श्रीलंका। 35 विदेशी लोग भी हैं जिनकी मौत हुई है। अभी तक भारतीयों के हताहत होने की खबर नहीं है। भारत के लिए राहत की खबर यह है कि कोई भी भारतीय इसमें ना जख्मी हुआ है ना इस हमले में शिकार हुआ है। श्रीलंका में सुरक्षा पर आपात बैठक वहां के प्रधानमंत्री ने बुलाई, सेना की तैनाती कर दी गई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका हमले की निंदा की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया और इस हमले की निंदा की और संवेदनाएं भी व्यक्त की। तो ईस्टर का दिन है आज और 8 जगहों पर ये ब्लास्ट हुए श्रीलंका में। कहां कहां किन किन जगहों पर ये धमाके हुए वो आपको हम बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो सुबह 9:45 का वक्त, जहां पर सेंट एंटनी चर्च में ये धमाका हुआ, कोचीकडे का ये चर्च, सेंट सेबेस्टियन चर्च में दूसरा धमाका हुआ, 50 लोगों की एक साथ एक जगह मौत हुई। वट्टिकलोवा चर्च, यहां पर 24 लोगों की एक साथ मौत हो गई। तो ये 3 चर्च जहां पर एक साथ ये धमाके हुए, भारी संख्या में लोग आज प्रार्थना के लिए जुटे थे। ईस्टर का पर्व है आज, रविवार का दिन है, तो चर्च में अच्छी खासी संख्या में लोग मौजूद थे। 3 ये धमाके 3 चर्च में हुए आज सुबह 9:45, सेंट एंटनी चर्च, कोचीकडे, सेंट सेबेस्टियन चर्च और वट्टिकलोवा चर्च। 3 होटल्स को भी निशाना बनाया गया। शंग्रीला होटल में ब्लास्ट हुआ, कोलंबो के सिनेमन ग्रैंड होटल में भी धमाका हुआ और कोलंबो के ही किंग्सबरी होटल में भी बम ब्लास्ट हुआ। तो 6 ये धमाके सिलसिलेवार तरीके से आज सुबह 9:45 हुए और उसके बाद भी 2 और धमाके हुए हैं, यानी कुल मिलाकर 8 बम ब्लास्ट श्रीलंका में हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की इन धमाकों को लेकर। श्रीलंका में धमाकों की कड़ी निंदा करता हूं, हमारे क्षेत्र में बर्बरता की कोई जगह नहीं है, भारत श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा है। आगे ट्वीट किया है प्रधानमंत्री ने, मारे गए लोगों के परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो कड़ी निंदा इन धमाकों की प्रधानमंत्री मोदी ने की, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की, संवेदनाएं भी व्यक्त की। आपको बता दें इन धमाकों में 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए और 185 लोग मारे गए हैं। और रनिल विक्रमासिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री, उनका भी ट्वीट आया है, उनका भी रिएक्शन इन धमाकों को लेकर। श्रीलंका के लोगों पर कायराना हमले की निंदा करता हूं, दुख की इस घड़ी में श्रीलंका के लोग एक रहें, किसी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। हम सीधा रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राजपुरोहित ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। पिंकी, धमाकों का सिलसिला थमा नहीं है, 2 और धमाके किन लोकेशंस पे हुए हैं? देखिए बिल्कुल, और 2 धमाके हुए हैं कोलंबो में, बताया जा रहा है। एक स्मॉल होटल थी वहां पर जो है ब्लास्ट हुआ है। लगातार जिस तरह से ये सिलसिला जारी है उसके कारण जो है अब पूरे श्रीलंका में जो है कर्फ्यू लगा दिया गया है और साथ ही जो है इंटरनेट खासतौर पर जितने भी सोशल मीडिया एप्स है उसे भी जो है बैन कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार फेक न्यूज भी जो है वो स्प्रेड हो रहा था और यही कारण है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जो है ये भी एक कदम उठाया है। साथ ही आपको बता दें कि सुबह से जैसे हमारे दर्शकों को ये जानकारी दे रहे थे कि आर्मी जो है वो डिप्लॉय कर दी गई है और साथ ही तमाम जो स्टेप्स लिए जा रहे, लगातार अलग अलग होटल्स में भी सिक्योरिटी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए लगातार सिक्योरिटी टाइटन कर दी गई है और जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है। लोगों में कहीं ना कहीं पैनिक का माहौल जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से सुबह के 6 ब्लास्ट के बाद अब वापस
दो फ्रेश ब्लास्ट हुए हैं, उससे जो है कहीं ना कहीं और भी ज्यादा पैनिक का माहौल श्रीलंका में देखा जा रहा है, जिसके बाद अब कर्फ्यू लगा दिया गया है और साथ ही सोशल मीडिया एप्स को भी बैन कर दिया गया है। बैक टू यू। जी पिंकी, तो आप ये बता रही हैं कि एक छोटा सा होटल और है कोलंबो में जहां पर ये ब्लास्ट हुआ, उसके अलावा एक और जगह ब्लास्ट हुआ, कुल मिलाकर 8 जगह ये बम धमाके हुए हैं। आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया है पिंकी, सिचुएशन किस तरह की, हम सुन रहे हैं कि कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। आप बिल्कुल सही कह रही है कि कर्फ्यू लगा दिया गया है, 200 ट्रूप्स को भी जो है डिप्लॉय कर दिया गया है, और साथ ही जिस तरह से लगातार एक के बाद एक ये सीरीज ऑफ अटैक्स जो है वो सामने आए, उसके बाद इमरजेंसी मीटिंग भी, जैसे कि प्रधानमंत्री वहां के जो है रानिल विक्रमासिंघे, उन्होंने ये बैठक बुलाई थी, और इसके अलावा वहां के जो स्टेट डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी जो है एक बयान जारी किया है, और उस बयान के तहत उन्होंने ये कहा है कि आने वाले 12 घंटे तक जो है कर्फ्यू रहेगा, और साथ ही रानिल विक्रमासिंघे ने भी ये जानकारी दी है कि जिस तरह से ये बहुत ही कायराना हमला हुआ है, उसके बाद जो भी इसके दोषी होंगे उन्हें जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, इस तरह का बयान जो है उनका भी सामने आया, और साथ ही सोशल मीडिया को टेम्पररी बैन कर दिया गया है। ये स्टेटमेंट जो है वो वहाँ के जो स्टेट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है उनकी ओर से ये जारी हुआ है, और साथ ही जो दो फ्रेश अटैक्स जो है वो भी सामने आए, जिसमें मरने वालों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है, और साथ ही जिस तरह से इंजर्ड खासतौर पर संख्या 500 के भी ऊपर हो गई है, ऐसे में हॉस्पिटल्स के लिए भी अब कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा जो है मुश्किलों का दौर इस वक्त देखा जा रहा है, क्योंकि खबरें वहां से ये भी सामने आ रही थी कि ब्लड बैंक में जो है ब्लड की भी कमी है, जिसके बाद कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने वहाँ के लोकल्स को ये कहा है कि वे बढ़ चढ़कर जो है ब्लड डोनेट करें ताकि घायलों का इलाज जल्द से जल्द किया जा सके, लेकिन जिस तरह से बहुत ही गंभीर रूप से जो लोग घायल हुए, और यही कारण है कि मरने वालों की संख्या लगातार, निश्चित तौर पर बहुत मुश्किल घड़ी है श्रीलंका के लिए, 187 लोगों की जान चली गई है, 8 धमाके हुए, और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति और श्रीलंका के प्रधानमंत्री दोनों से इन धमाकों के बाद बात की है, ट्वीट भी किया गया था पीएम की तरफ से, और अब बड़ी खबर ये कि पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति और पीएम दोनों से बात की है, मैत्रीपाला सिरिसेना और रनिल विक्रमासिंघे से बातचीत की है प्रधानमंत्री मोदी ने। श्रीलंका में 8 बम धमाके हुए, सुबह 9:45 बजे 6 धमाके हुए, उसके बाद 2 और धमाके हुए, और बड़ी खबर यह कि पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से बात की है, पीएम मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री से भी बात की है। थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया गया था पीएम की तरफ से, संवेदनाएं व्यक्त की गई थी और कहा था कि इस मुश्किल घड़ी में भारत श्रीलंका के साथ खड़ा है। मेरे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, पीएम मोदी ने बात की है श्रीलंका के प्रधानमंत्री और उनके राष्ट्रपति से, किस तरह की ये बातचीत रही, और भारत इसमें किसी तरह की कोई मदद श्रीलंका की कर सकता है? जी बिल्कुल, अभी अभी प्रधानमंत्री ने श्रीलंकन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों से बात की। इमीडिएट नेबर है भारत का, सार का एक महत्वपूर्ण अंग है श्रीलंका, और प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले बात करके पूरे भारतवर्ष की तरफ से अपने निजी तरफ से संवेदनाएं अपनी तरफ से दी है और कॉन्डोलेंसेज ऑफर किए हैं इस दास्टार्डी अटैक को लेकर के जो 8 ब्लास्ट हुए हैं आज श्रीलंका में। रही बात भारत की तरफ से कोऑपरेशन की, तो मैं आपको बता दूं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टच में है श्रीलंकन अथॉरिटीज के, और भारत ने अपनी तरफ से पहले ही ऑफर किया है कि किसी भी तरह के सिक्योरिटी असिस्टेंस की इस वक्त में श्रीलंका को जरूरत हो तो भारत पूरी तरह से तैयार है, और उसी सिलसिले में प्रधानमंत्री ने फोन किया है और अपनी तरफ से संवेदनाएं ऑफर की है, और साथ ही में पूरी तरह से असिस्टेंस का अश्योरेंस दिया है भारत की तरफ से श्रीलंका की हुकूमत को। जी आशीष, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति और श्रीलंका के पीएम से बातचीत की है, संवेदनाएं व्यक्त की है, और ये आश्वासन दिया है कि जिस भी तरह की मदद या कोऑपरेशन की भारत से जरूरत होगी भारत वो श्रीलंका को देगा। पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से बात की है और श्रीलंका के पीएम से भी बात की है प्रधानमंत्री मोदी ने। थोड़ी देर पहले ट्वीट कर संवेदनाएं व्यक्त की थी, निंदा भी की थी इस हमले की। श्रीलंका में 8 बम धमाके हुए हैं जिनमें 187 लोगों की जान चली गई है, और इस वक्त हमारे साथ एनएन झा जुड़ गए हैं, भारत के पूर्व हाई कमिश्नर रहे हैं श्रीलंका में, उनसे हम बात करेंगे। एनएन झा साहब, एक के बाद एक ये धमाके हो रहे हैं, पहले सुबह 6 धमाके हुए और अब 2 और धमाके, कैसे इसे देखा जाए, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है सबसे पहले कि ये बड़े क्षेत्र रूप से प्लान किया गया है कि अलग अलग स्थानों पर धमाके हों, और ये बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने
उनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों से बात की और संवेदना प्रकट किया और जो भी सहायता हम दे सकते हैं वो करेंगे। फिर मेरे ख्याल से हमने हमारे एम्बेसडर से अपने हाई कमिश्नर से पूछ लें वहाँ क्या क्या आवश्यकता है उनकी फौरन और फौरन में फौरन भेज दें उसे उनके पूछने के पहले भी। अब हमारा ये लाभ है कि हम सिर्फ केवल 30 किलोमीटर का फासला है पानी का भारत और श्रीलंका में, सबसे पहले हम पहुंच सकते हैं और ये अच्छा रहेगा, लोगों को पता हो कि भारत का और श्रीलंका की दोस्ती इतनी पुरानी है और बहुत निकटतम है। सांस्कृतिक रूप से हम दोनों देश एक ही साथ हैं क्योंकि उनके जितने सिंघला है बहुत करीब है श्रीलंका और भारत, आपस में डिस्टेंस बहुत कम है और भारत चाहे तो जो संभव मदद हो वो कर सकता है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम लेंगे लेकिन उससे पहले बड़ी खबर अपने दर्शकों को फिर से बता दें, 6 घंटों में 8 धमाकों से दहला है श्रीलंका, 187 लोगों की मौत हो गई है, 500 से ज्यादा लोग जख्मी है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।